फाइनली आईपीएल 2021 के लिए सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2021 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी 8 टीमों के खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएल 2021 के लिए सभी टीमों का सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक शानदार फैंटेसी ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है माई 11 सर्कल। यहाँ पर आप राशिद खान जैसे चैंपियन प्लेयर के साथ हेड टू हेड खेल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में से बेस्ट 11 बनाना है। और यदि आपकी बेस्ट 11 इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज में राशिद खान को हरा देती है तो आपको मिलेगा आपके विनिंग का 3 गुना ज्यादा कैश। बहुत सारे लोग अपने स्किल का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और आप अपने विनिंग को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करते ही पहले डिपॉजिट पर इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 1 by 1 सभी 8 टीमों के सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बता देते हैं। तो इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बारे में। तो इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे फाफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़, तीसरे नंबर पर सुरेश रैना, चौथे नंबर पर मैक्सवेल या फिर स्टीव स्मिथ, पाँचवें नंबर पर MS धोनी, छठवें नंबर पर सैम करन, सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा, आठवें नंबर पर ड्वेन ब्रावो, नौवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, दसवें नंबर पर दीपक चाहर, वहीं 11वें नंबर पर करण शर्मा खेलने वाले हैं। तो चेन्नई की टीम आईपीएल 2021 में कुछ इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरी बड़ी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और इस टीम के बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे शिखर धवन और मार्कस स्टोइनिस, तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत, छठवें नंबर पर सिमरन हिटमायर, सातवें नंबर पर अक्षर पटेल, आठवें नंबर पर रवि अश्विन, नौवें नंबर पर कैगिसोर अबाडा, दसवें नंबर पर एनरिक नौड़खिया, वहीं 11वें नंबर पर ईशांत शर्मा। तो दिल्ली की टीम कुछ इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ आईपीएल 2021 में उतरने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी टीम है मुंबई इंडियंस की टीम। और इस टीम के खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक, तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, चौथे नंबर पर ईशान किशन, पांचवें नंबर पर कैरन पोलार्ड, छठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पर क्रुणाल पांड्या, आठवें नंबर पर क्रिस वोक्स या फिर काइल जेमिसन, नौवें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, दसवें नंबर पर जयंत यादव, वहीं 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह। तो मुंबई की टीम आईपीएल 2021 में कुछ इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और इस टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल और सुनील नारायण, तीसरे नंबर पर विकेट कीपर नीतीश राणा, चौथे नंबर पर दिनेश कार्तिक, पांचवें नंबर पर इयान मुर्गन, छठवें नंबर पर आंद्रे रसेल, सातवें नंबर पर राहुल त्रिपाठी, आठवें नंबर पर पैट कमिंस, नौवें नंबर पर शिवम मावी, दसवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती, वहीं 11वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा। तो कोलकाता की टीम कुछ इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ आईपीएल के मैचों में उतरने वाली है, जहां पर इस टीम के प्लेइंग 11 में एक बार फिर से कुलदीप यादव को कम चांस मिलेगा। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम। और इस टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें
में। तो इस टीम के लिए ओपनिंग कर सकते हैं एलेक्स हेल्स और बेन स्टोक्स। तीसरे नंबर पर कप्तान संजू सैमसन, चौथे नंबर पर जॉस बटलर, पांचवें नंबर पर करुण नायर, छठवें नंबर पर रियान पराग, सातवें नंबर पर राहुल तेवतिया, आठवें नंबर पर श्रेयस गोपाल, नौवें नंबर पर जोफ्रा आर्चर, दसवें नंबर पर कार्तिक त्यागी, वहीं ग्यारहवें नंबर पर मोहित शर्मा। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम कुछ इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ आईपीएल 2021 के मैचों में उतरने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। और इस टीम के सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे देवदत्त पड्डीकल और एलेक्स हेल्स। यहाँ पर एलेक्स हेल्स के स्थान पर जेसन रॉय भी आ सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली, चौथे नंबर पर विकेट कीपर एबी डिविलियर्स, पांचवें नंबर पर मैक्सवेल या फिर साकिब अल हसन, छठवें नंबर पर कृष्णप्पा गौतम, सातवें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर, आठवें नंबर पर मिचेल स्टार्क या फिर मुस्ताफिजुर रहमान, नौवें नंबर पर नवदीप सैनी, दसवें नंबर पर यूजी चहल, वहीं ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज। तो आरसीबी का सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 आईपीएल 2021 में कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। तो आपके अकॉर्डिंग विराट कोहली की टीम का प्लेइंग 11 किस प्रकार का होना चाहिए, आप अपना प्लेइंग 11 वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी टीम है किंग्स 11 पंजाब की टीम। और इस टीम के पास मिनी ऑक्शन के लिए 53 करोड़ जैसा बड़ा रकम अवेलेबल है। तो ये टीम जिस प्लेयर को भी चाहेगी उस प्लेयर को खरीद सकती है। तो इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे मयंक अग्रवाल और कप्तान केएल राहुल, तीसरे नंबर पर क्रिस गेल, चौथे नंबर पर निकोलस पूरन, पांचवें नंबर पर मनदीप सिंह, छठवें नंबर पर दीपक हुड्डा, सातवें नंबर पर क्रिस जॉर्डन, आठवें नंबर पर मिचेल स्टार्क 100% आ सकते हैं, नौवें नंबर पर मुरुगन अश्विन, दसवें नंबर पर मोहम्मद शमी, वहीं ग्यारहवें नंबर पर अर्शदीप सिंह खेल सकते हैं। तो पंजाब की टीम कुछ इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ आईपीएल 2021 के मैचों में उतर सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग पंजाब का प्लेइंग 11 कैसा होना चाहिए, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हम आपको बता दें कि किंग्स 11 के पास सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस अवेलेबल है। तो ये टीम डेविड मलान जैसे बड़े प्लेयर को भी टारगेट करेगी और अपने स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी टीम है सनराइजर हैदराबाद की टीम। और इस टीम के सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हैदराबाद के पास सबसे कम पर्स बैलेंस अवेलेबल है और इस टीम ने अपने स्क्वाड से काफी कम प्लेयर्स को रिलीज किया था। तो इस टीम के प्लेइंग 11 में कोई खास बदलाव नहीं होगा। तो इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे डेविड वार्नर और जॉनी बेरेस्टो, तीसरे नंबर पर मनीष पांडे, चौथे नंबर पर केन विलियमसन, पांचवें नंबर पर प्रियाम गर्ग, छठवें नंबर पर विजय शंकर, सातवें नंबर पर अब्दुल समाद, आठवें नंबर पर राशिद खान, नौवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, दसवें नंबर पर टी नटराजन, वहीं ग्यारहवें नंबर पर संदीप शर्मा। तो हैदराबाद का प्लेइंग 11 कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। और इस टीम का प्लेइंग 11 आईपीएल 2021 के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है, क्योंकि इस टीम के पास राशिद खान, नटराजन और भुवनेश्वर जैसा काफी बेहतरीन बॉलिंग पेयर मौजूद है जो कि किसी भी टीम को ऑल आउट करने की क्षमता रखता है। तो इस वजह से हैदराबाद का प्लेइंग 11 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके अकॉर्डिंग इस साल आईपीएल 2021 में किस टीम का प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा मजबूत है, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।